अच्छी किस्म का कपड़ा, गारंटी वाला कपड़ा, बच्चा के सूट आ गए, मर्दाना सूट आ गए, रहाना सूट आ गए, अच्छी किस्म का कपड़ा आ गया, सस्ता कपड़ा आ गया। 10 महीने हो चुके हैं ये काम करते हुए, ठीक है, कभी खाली कभी भर जाता है, ये कुएँ के टंडे समझे, कभी खाली है कभी भरी हो, कभी खाली जाते हैं कभी बिक जाते हैं, इसमें पेट्रोल का खर्च भी है। इमरान खान की मेहरबानी है जिसने इतना ये किया हुआ है। जब सूट लेकर हम आते हैं गांव में जाते हैं, जितना गांव को बोलता है वो उस पर खरीद नहीं कर, कभी खाली खाली चले जाते हैं, कभी बन जाता है कुछ, देखो बच्चों की रोटी बनी हुई है गुजारा। की मेहरबानी ये कि पेट्रोल हर हफ्ते के, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते के बाद 50 रुपया 100 रुपया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल जब पूरा नहीं होता तो क्या सकती सेल कर देगा खरीदनी है। जितना आप पीछे से खरीद करके लाते हैं, बिल्टी लेकर फैसला बात है, हम कपड़ा खरीद के यहाँ से यहाँ तक पहुँच दें तो हमें कपड़ा इतना ये खरीद नहीं पाते, लेकिन जब पेट्रोल डालते हैं तो उस हिसाब से हमारा दिहाड़ी और पेट्रोल का खर्च, अपनी दिहाड़ी निकालना उसमें बराबर नहीं होता, कभी खाली भी चल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं गाँव में, शहर में नहीं। शहर में जब मार्केटें हैं तो हमें शहर में जाने की ज़रूरत है, तकरीबन कभी 2 सूट कभी 300, इससे ऊपर नहीं बिकते। एक सूट हमारा अगर 1700 का 1800 का है तो हमारे सेल जब बताते हैं तो गाहक वही उसी रेट पे आ जाता है, 100 रुपये 50 रुपये सूट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 उससे ऊपर नहीं, उधर से 50 करिए, लेकिन उधर से अगर हमें 700 के सूट खरीदा है तो 1400 भी बताएगा तो, लेकिन वह गाहक 800 से ऊपर नहीं लेगा, लेकिन उससे हमें 30 रुपये कभी 40, बच्चों के साथ ऐसे ही 50 रुपया 30 रुपये, बड़े सूट के साथ 50 रुपये, वो भी अगर पूरा कम से कम 10 गांव घूमेंगे उसमें से हमारा ये निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सूट बेचे 5 सूट बेचे बताए कितने 50 रुपये सूट के हिसाब से कमीशन कमाल। इसी गांव में अगर ये जितना इलाका पड़ता है ज़िला चकवाल के नज़दीक नज़दीक, और इसी हदूद में हम कपड़ा बेचें, पेट्रोल अगर सस्ता हो वही दाम हम इस कपड़े का बेचें तो उसी से हमारा दिहाड़ा अच्छे से निकल जाता है, हमें शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कपड़े की वजह। जो बात ये सर कि हम इतना वसाइल नहीं है कि हम लोन ले सकें कि इसको बढ़ाएँ, इतनी हमारे पास पैसा नहीं है कि दुकान बना लें, हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा डालेंगे इसी से अपनी झाड़ बनाते रहेंगे, बच्चों का रोज़ी बनता रहेगा इससे, और हमारे पास लोन लेने की वो किस्त नहीं दे सकते, अगर हम किसी से मदद लें बैंक से लें या किसी से मदद, इस तरह को लोन लेकर फिर वो किस्त नहीं अदा होती, घर का खर्च इतना हो इसमें गया।